ਮਲੇਕਾ ਮੇਰੇ ਠੇਕਾ ਦੇ ਗਿਆ ਹੀ ਤੇ ਕੱਲ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਖਾਤਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰ। ਬਾਬਾ ਸਾਈ ਮੁਝੇ ਆਪਸੇ ਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਮਾ ਸਾਈਣ ਕੋ चलो साजिद काले इधर आओ, चलो 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 इधर आओ। आओ जैसे जैसे बड़े होते जा रहे हो अकल घास चरने निकलती जा रही है। इतना भी नहीं जानते कि घर के जनाने की बातें इस तरह सरेआम मर्दाना बैठक में नहीं करते कमी कमीनों के सामने। अकल आएगी तुम्हें? मुझे आपसे यह पूछना था बाबा साहब कि मुझे अम्मा साहन से मिलने की इजाजत क्यों नहीं है और अम्मा कमरे से बाहर क्यों नहीं आ सकती। मेरी अम्मा को किस बात की सजा दे रहे हैं आप? तेरी मां बनने से पहले वो मेरी घरवाली है और अभी मैंने तुझे इतना इख्तियार नहीं दिया कि तू मेरी घरवाली के बारे में मुझसे सवाल करे। ये मेरे सवालों का जवाब नहीं है बाबा साहब। यहां सवाल आपका बेटा नहीं, हवेली का इकलौता जानशीन पूछ रहा है और मैं अपने सवाल के जवाब के बगैर यहां से नहीं जाने वाला। बस तुझे जवाब चाहिए ना तो फिर जा हवेली के पीछे वाले कब्रिस्तान में चलेगा। वहां शायद अब तक जिन्हें की ताजा कब्र के निशान मौजूद हों, तेरे सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। जिन्हें की कब्र, उसे एक इस्तेमार डाला नसीब में, उसके काले मुकद्दरों में स्याही खोली है तेरी सगी मां और सुतेली मां ने। फिलहाल मैंने उन्हें उनके कमरों तक नजरबंद किया है। दुआ कर मेरे अंदर का पीरल ना जाग जाए और बहुत सी कब्रें खुदेंगे उस कब्रिस्तान में।